हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि वाजपेयी फ्रॉम आदर्श क्लासेस। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी खुशखबरी। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आखिर अब एग्ज़ाम्स का क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स रह भी गए हैं तो उनकी बहुत सारी टेंशन थी कि कहीं एकदम से एग्ज़ाम ना ले लिए जाएँ, या फिर जैसे ही ये हटता है लॉकडाउन तो उसके बाद तुरंत ही एग्ज़ाम एक से वन बाय वन ना हो जाएं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सीबीएसई ने आज एक अपडेट दिया है जिसमें आपको बता दिया गया है। तो आज सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है 1 अप्रैल। वैसे तो आज के दिन फूल डे होता है, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने एक बहुत ही जेन्युइन अपडेट दिया है जो बच्चों के लिए उनके एग्ज़ाम जो बचे हुए थे 1st to 8th, 9th to 12th, सभी के बारे में इसमें बताया गया है। पूरी पूरी अपडेट दी गई है और ये जो साइट है ये ऑफिशियल साइट है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर एनालाइज बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अब तक बहुत से र्यूमर्स आए थे, बहुत से यूट्यूब पे कहा जा रहा था कि अब सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा कोई सारी चीज़ें, तो वो सब र्यूमर्स थे, तो उन पर आप लोग ध्यान ना दें बिल्कुल भी। आप लोग उस चीज़ पर ध्यान दिया करें जो सीबीएसई रियल चीज़ें होती हैं, ऑफिशियल साइट से जो आती हैं, तो फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी आप लोग ध्यान ना दें। अब इसके बाद आप लोग देख लें, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि अब भी जो प्रिकॉशनरी मेज़र था COVID-19, जिसको आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके चलते जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो तो स्कूल्स बंद कर दिए गए थे 18 मार्च से लेकर, बंद किए गए थे। तो ये 31 मार्च 18 मार्च के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स होने थे वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए थे, तो उसके लिए बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने दे रखा है फॉर क्लास 1st to 8th, आप लोग देख सकते हैं फॉर क्लास 1st to 8th, जिसमें इन्होंने बताया ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 1st to 8th मे बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो 1st to 8th के जितने भी बच्चे हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो 6th का बच्चा जो है वो 7th में चला जाएगा और जो 7th का था वो 8th में, इस तरह से उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद है फॉर क्लासेस 9th and 11th, इफ एस कम टू अवर नोटिस दैट इन अफ सेवरल स्कूल्स एफिलेटेड, तो इन उसमें ये बताया गया है कि जितने भी 9th से लेके 11th तक के बच्चे हैं उन्हें भी ग्रेड के थ्रू, मतलब उन्हें पास कर दिया जाएगा। बेसिस आप लोग देख सकते हैं लास्ट की लाइन्स में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वर्क पीरियोडिक टेस्ट एंड टर्म एग्जाम्स के थ्रू, उसके बेस पर उन्हें अगली क्लास में पहुँचा दिया जाएगा। अब इसमें यहाँ पर कुछ बच्चे इस बात की टेंशन ना ले, जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया था या फिर एग्जाम नहीं दिया था उनका क्या होगा, तो उनके कुछ टेस्ट्स के बेसिस पे कर लिया जाएगा। अदरवाइज अब आप लोग जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं। 9th का बच्चा 10th में और 11th का बच्चा 12th में, अब उनके एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें आगे के लिए, आप लोग अब उस चीज़ की टेंशन ना लें। हाँ, जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके जो पहले के सेशंस में जो एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी टेस्टर्स हुए थे, प्रियोडिक्स हुए थे, उसके बिहार पर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 10th and 12th। अब 10th और 12th के लिए आप लोग देख रहे थे कि आपको डेट्स कई यूट्यूबर्स में बताए जा रहे थे कि ये डेट होगी वो डेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ने डायरेक्टली बता दिया है कि 10th और 12th की अब डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं तो अभी से वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो वो डिसीजन जब आपको बताए जाएंगे तो सीबीएसई आपको बता देगा। और इसमें नोटिस में लास्ट में आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि 10 दिन पहले आपको बताया जाएगा, मतलब जो भी नोटिस आएगा जब भी आपके एग्जाम्स होंगे उससे 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा सीबीएसई ने आज आपको बताया और कल एग्जाम ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जितने बच्चों के भी एग्जाम बचे हैं वो टेंशन ना लें, उन्हें 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब उनका एग्जाम होगा। सब्जेक्ट्स फॉर बोर्ड एग्जाम, जिस जिसके बोर्ड एग्जाम होने हैं वो इन्होंने नीचे सब्जेक्ट दे दिए कि किस किस के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो था वहां पे कुछ सम प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके चक्कर में एग्जाम्स रह गए थे, तो वो एग्ज़ाम जो मेन लैंग्वेज हैं उनके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। इन्होंने नेम दे दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, जिसके भी एग्ज़ाम्स छूट गए थे वो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। सेम ऐसे ही 12th के बिजनेस स्टडीज़, ज्योग्राफी, तो इन सबके एग्ज़ाम होंगे। आप लोग ध्यान से अपनी स्टडी पर ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे, अच्छे से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये सीबीएसई स्कूल्स इन फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ के बारे में इसमें बताया गया है कि उनका क्या पर्पज़ होगा, इवोल्यूट किया जाएगा। इवोल्यूशन वर्क, मतलब जितने भी टीचर्स वगैरह हैं उन्हें भी 3 दिन पहले बता दिया जाएगा कि अब उन्हें जो है कॉपी चेक करने के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। उसके बाद है, जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, तो सीबीएसई ने भी आपको बोल दिया है अवॉइड र्यूमर्स, ठीक है, र्यूमर्स पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ सीबीएसई की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके एग्जाम सीबीएसई ले रही है। तो यूट्यूब में आपसे कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप उन वीडियोज पर ध्यान ना दिया करें, आप सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
स्कूल्स टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, तो सभी टीचर्स के लिए कहा गया है कि सभी जो टीचर्स हैं वो अपने जितने भी बच्चे हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दें जितने भी मैसेज आए हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है इसमें, तो 6 to 8 वाले हैं वो सब पास हो चुके हैं और वो अपनी अगली क्लास में जा चुके हैं, प्रमोट कर दिया गया है। सेम ऐसे ही 9th और 11th वाले भी। तो अब आप लोग 9th के बच्चे 10th की तैयारी और 11th के बच्चे 12th की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपकी टेंशन CBSE ने ख़त्म कर दी है, आपके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। जिनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। और 10th और 12th वाले अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें, वैसे उन्हें 10 दिन पहले से बता दिया जाएगा, बट फिर भी अपने ही पढ़ाई पर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच, ध्यान से आपने वीडियो में सारी चीज़ें जान ली हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन में सभी चीज़ें दे दी जाएंगी। वैसे मैंने आपको पूरा इसमें फुल एनालिसिस करके बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो थैंक यू सो मच।